नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल, वास्तु सलाहकार। पहले की तरह आज फिर वेस्ट फेसिंग यानी पश्चिम मुखी जूते की दुकान के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वो जानकारी आप सुनकर समझकर अपने यहाँ बदलाव करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है, वास्तु के हिसाब से भी और मेरे अपने अनुभव के हिसाब से आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप नई दुकान करने जा रहे हैं या अपनी दुकान में रेनोवेशन करने जा रहे हैं या आपकी अपनी पुरानी दुकान है, आपकी अपनी दुकान किसी कारण से अच्छी चल तो रही है लेकिन अच्छी नहीं चल रही है, रूटीन के खर्चे मुश्किल से निकलते हैं, आप ये चाहते हैं कि सेविंग भी हमारी हो जाए, तो आपको अपनी दुकान में क्या ऐसी चेंजिंग करनी पड़ेगी जो कि मार्केट में होते हुए भी आपकी अपनी दुकान किसमें मेन मार्केट में होते हुए भी आपकी अपनी दुकान में अच्छा कस्टमर नहीं आ रहा, अच्छे कस्टमर मतलब कस्टमर की तादाद फुटफॉल कम है। आप ये चाहते हैं हमारी दुकान में अच्छा कस्टमर आए, तो आपको अपनी दुकान में अपने शोरूम में किस चीज़ के शूज़ के शोरूम में ऐसी क्या क्या चेंजिंग करनी है जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो जाए। सबसे पहले मैं आपको एक बात कहूँगा, मैं हमेशा ही अपनी हर वीडियो में एक बात कहता हूँ, आपके अपने यहाँ पर फ्रंट का एरिया हमेशा ही नीट एंड क्लीन साफ सुथरा होना ही चाहिए। जो आपके अपने यहाँ पर नाली बनी है फ्रंट में तो उस नाली को जरूर ढकना है, स्मूथ पत्थरों से ढकना है। फ्रंट का एरिया नीट एंड क्लीन हो गया, नाली ढकी गई, अब आपको मेन गेट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर छोड़ के मेन गेट आपने बनाना है जो साइज आपको चाहिए। इसके साथ में फ्रंट में वेस्ट से साउथ वेस्ट तक डिस्प्ले आ गई, साउथ वॉल पर कंप्लीट साउथ ईस्ट से साउथ होते हुए साउथ वेस्ट तक स्टोरेज चली गई, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से ईस्ट होते हुए साउथ ईस्ट तक स्टोरेज हो गई, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से लेके नॉर्थ होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक डिस्प्ले आएगी। क्या चीज़? नॉर्थ जोन में आपकी डिस्प्ले आएगी। आपकी अपनी दुकान में यदि स्पेस है तो आप ईस्ट में भी अपनी डिस्प्ले कर सकते हैं, आपके यहाँ यदि स्पेस कम है तो आप सिर्फ नॉर्थ में डिस्प्ले कर ले, सिर्फ नॉर्थ में और वेस्ट और साउथ वेस्ट में फ्रंट में डिस्प्ले कर ले, आपके लिए डिस्प्ले वाइज सफिशेंट बहुत है, क्योंकि ऑनर की जो सीटिंग आनी है वो फ्रंट में साउथ वेस्ट में ही सीटिंग आएगी, काउंटर लगेगा, ओनर यहीं बैठेगा, ओनर की जो तिजोरी जो गल्ला आएगा जो ड्रॉअर बनेगी वो ओनर की चेयर के बिल्कुल सामने बनेगी। इसी के साथ में उसका अपना काउंटर एल पोजीशन में बन जाता है तो और अच्छी बात है, फिर वो अपनी ड्रॉअर वेस्ट वॉल पर ईस्ट की ओर ओपन होते हुए बनाए या फिर दोनों ही बनाए। दोनों बनाने में क्या है, रूटीन में इसका इस्तेमाल करता रहेगा और जब पैकेज तैयार हो जाता है या बैंक से पेमेंट आती है या अच्छी अमाउंट शाम तक सेल की इकट्ठी हो जाती है वो पेमेंट हाँ आप अपनी जो ईस्ट की ओर ओपन हो रही है डोर उसके अंदर आप अपनी पेमेंट रखते हैं तो आपकी पेमेंट में बरकत होगी। आपको लगता है कि हम ईस्ट वेस्ट वॉल पर काउंटर नहीं बना रहे तो आप एक ड्रॉअर साउथ वॉल पर साउथ वेस्ट में ज़रूर बनाएंगे जो कि आपकी अपनी नॉर्थ की ओर ओपन होनी चाहिए। जब आप सन को अपनी पार्टी को जिनसे माल आता है उनको पेमेंट करते हैं या चेक देते हैं तो वो चेकबुक और वो पेमेंट आप इस ड्रॉअर से निकाल के देंगे, क्योंकि यदि आप साउथ वॉल पर ड्रॉअर बनी है गल्ला बना हुआ आपका नॉर्थ की ओर ओपन हो रहा है तो उस पैसे में रखे हुए पैसे में हमेशा ही बरकत होगी। आपने क्या करना है, एक ड्रॉअर आपने साउथ वॉल पर भी बनानी है या वेस्ट वॉल पे एल पोजीशन में काउंटर बन जाता है तो आपको ड्रॉअर एक यहाँ भी जरूर बनानी है। इसके साथ आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है, फर्श का स्लोप साउथ टू नॉर्थ होना ही चाहिए। आपकी अपनी दुकान कहीं भी किसी भी एरिया में यदि आपने फर्श की ढलान
साउथ ऊंचा करके नॉर्थ की ओर स्लोप दे दिया है 1.5-2 इंच का, तो मेरा अपना ये मानना है आपकी अपनी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। क्या जी, आपकी अपनी दुकान में फुटफॉल, कस्टमर का आना बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने अपने यहाँ पर फर्श के ऊपर जो कारपेट मैट जो बिछाना है, क्योंकि जूते की दुकान में हमेशा कारपेट भी फ्लोरिंग कारपेट जरूर बिछाया जाता है, वो फ्लोरिंग कारपेट जो आपने बिछाना है लाइट ब्राउन कलर का। ऑफिस कारपेट जो आते हैं वो लाइट ब्राउन कलर के आते हैं, ग्रे कलर भी आता है, ब्लू भी आता है, लेकिन आपने जो कारपेट बिछाना है वो लाइट ब्राउन कलर का, यानी कि बादाम की गिरी वाले रंग जैसा। इसी के साथ आपने इन्वर्टर अपने यहाँ लगाना है तो साउथ ईस्ट में साउथ वॉल पे लगाना है। मंदिर आप बनाते हैं, मंदिर भी आपने ईस्ट वॉल पर साउथ ईस्ट की ओर ही आपने अपना मंदिर बनाना है। अब कस्टमर की सीटिंग कहाँ रहेगी? कस्टमर की सीटिंग आपकी अपनी दुकान की यदि फ्रंट में चौड़ाई ज़्यादा है तो सीटिंग आपकी अपनी बीच में आ जाएगी। कस्टमर अटेंड यहाँ से भी हो जाएगा और कस्टमर अटेंड यहाँ से भी हो जाएगा। आपके यहाँ फ्रंट में फ्रंट की चौड़ाई कम है, दुकान की चौड़ाई कम है, टाइट है, तो सीटिंग काउंटर के ही पैरेलल, काउंटर बीच में और सीटिंग के बीच में स्पेस छोड़ के ये आपकी अपनी सीटिंग आ जाएगी। यहाँ आपका कस्टमर आएगा और बैठ जाएगा, क्योंकि डिस्प्ले आपकी अपनी नॉर्थ वॉल पे है, क्योंकि कस्टमर का फेस हमेशा डिस्प्ले की ओर ही होना चाहिए। आप यहाँ बैठकर अपना कस्टमर को अटेंड कर लेंगे और कस्टमर आपके यहाँ आता है और कस्टमर आपके यहाँ से सामान लेकर जरूर जाएगा। हाँ, जो सेटी आप यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे कस्टमर के बैठने की, उसके ऊपर जो गद्दी लगेगी वो भी आपकी अपनी ब्राउन कलर की। क्या चीज़, गद्दी के ऊपर जो कपड़ा आएगा वो ब्राउन कलर का आएगा। पीने का पानी आपने कहाँ रखना है? पीने का पानी आपने ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में, इस हिस्से में पीने का पानी आता है तो बहुत अच्छी बात है। किसी कारण से आपको लगता है हम पीने का पानी अंदर नहीं रख पाएंगे तो आप पीने का पानी अपना बाहर भी रख सकते हैं। बाहर कहाँ रखना है? साउथ वेस्ट में नहीं रखना है, नॉर्थ वेस्ट जोन में फिर भी आ सकता है। इसी के साथ एक बात और कहूँगा, हर शूज वाला, जूते वाला समय समय पर सेल लगाता है, क्योंकि हर दुकानदार अपने यहाँ स्टॉक को पुराना नहीं होने देता, समय समय पर वो अपना स्टॉक पुराने वाला निकालता रहता है, वो सेल लगाता है। उस सेल के लिए आपके यहाँ दुकान के अंदर अच्छी जगह है टेबल लगाने की, तो टेबल लगा सकते हैं, वो टेबल आपको साउथ ईस्ट में लगानी है, ईस्ट साउथ ईस्ट में सेल के लिए। किसी कारण से आपके यहाँ यदि स्पेस है बाहर फुटपाथ पर, कहाँ पर, बाहर फुटपाथ पर लगाने का, तो आप बाहर भी लगा सकते हैं। कहाँ लगानी है आपने? साउथ वेस्ट से लेके वेस्ट दरवाजे तक के बीच में, इस हिस्से में भी आप अपनी टेबल लगा के सेल के लिए माल रख सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो यहाँ पर ओनर की सीटिंग आएगी, चेयर जो आएगी वो मैरून कलर की आएगी। शटर पर जो कलर आएगा वो आपका अपना सिल्वर कलर या वाइट कलर आएगा। मैंने आपको शटर का कलर बता दिया, माल कहाँ और किस तरीके से लगाना है वो भी बता दिया, डिस्प्ले कहाँ आनी है, सीटिंग कैसे आनी है, तिजोरी कहाँ आनी है, मंदिर कहाँ आना है, पीने का पानी कहाँ आना है और सेल के लिए माल आपने कहाँ लगाना है। इसी तरीके से अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।